दोस्तों माई मिस्टेक बिलो चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार फिर सारस को देखने के लिए आए हैं। 15 दिन हो चुके हैं जिस कानपुर चिड़ियाघर में सारस को, लेकिन सारस को ढूंढते 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 हम लोग निकलते हैं। देखो किधर मिलता है सारस, देखते हैं आज मिलता है कि नहीं मिलता है। पिछली बार तो हाँ जी मिला तो है सारस, लेकिन नहीं, ये क्वारंटाइन वाला सारस नहीं है। ये सारस तो ऐसा ही है, ये आरिफ वाला सारस नहीं नज़र आ रहा है दोस्तों। नहीं तो वो तो बिल्कुल सेपरेटली शायद अलग रखा गया है, जैसे बताया गया है न्यूज़ में कि उसको अलग रखा गया है। और इधर चिल्ला रहे सारस तो नहीं दिखाई दिया भाई, आरिफ वाला सारस जो है नहीं दिखाई दिया। एक सारस ये बाहर टहल रहा है, लेकिन वो टहल रहा है एक सारस बाहर, बोरा तो क्या पता वो आरिफ भाई का है। नहीं वो है ही नहीं है, कौन है? हाँ, वो है एक बस। हाँ वो बाहर टहल रहा है तो बड़ा लंबा चौड़ा ये भी, लेकिन वो अलग रखा गया वो इनसे। चल कैसे डरा डरा था, यही तो नहीं है कहीं? हो सकता है भाई यही वाला सारस हो भाई, डरा डरा लग रहा है ना। ले आओ आओ आरिफ, आरिफ ले। तो दोस्तों देख रहे हैं आप जो एक सारस ये टहल रहा है, बड़े आराम से टहल रहा है, लेकिन वो वाला सारस नहीं है। इतने आराम से बाहर नहीं टहल सकता, क्योंकि वो अपने मालिक के वियोग में कहीं ना कहीं वो शांत होगा, बहुत याद कर रहा होगा अपने दोस्त आरिफ को। लेकिन ये वाला सारस तो नहीं है, ये तो बहुत पहले से लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी चाल ढाल बता रही है ये पहले से ही सारस ये मौजूद है यहाँ पर। वो आरिफ वाला ये सारस नहीं है, वो तो कहीं स्पेशल जगह रखा गया है। तो दोस्तों सारस को देखते हुए अब आगे चलते हैं। ये देखें ये टाइगर घूम रहा है इस पिंजड़े में। ये टाइगर देख रहा है, पब्लिक हमको देखने आ रही है, हम ऐसी कौन सी खूबसूरत चीज है तो हमको देखने के लिए आ रही है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये बतखें तो आपने देखा, लेकिन सारस को नहीं देखा। ये बतखें इधर से उधर ये घूम रही हैं, लेकिन सारस कहीं भी दिखाई नहीं दिया दोस्तों। लेकिन क्या करें, कहाँ रखा है, कहाँ ढूंढें, लेकिन यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है अंदर का, कौन कहाँ पर सारस छुपा हुआ है। सारी पब्लिक ढूंढ रही है इधर से। ये पक्षी देखिए आप, ये पक्षियों को देखिए, और सारे ढेर सारे पक्षी देखने को हमको मिले, लेकिन सारस हमको, और ये गाड़ियों से लोग ढूंढने के लिए सारस को ढूंढ रहे हैं कहाँ पर छुपा है सारस, लेकिन कहीं हमको नजर नहीं आ रहा है। ये दूसरे सारस नजर आए हैं, लेकिन आरिफ का सारस कहीं नजर नहीं आया दोस्तों। ये देख रहे हैं काली बतख, पीले बतख, काले मोर, ये सब दिखाई दिए, लेकिन ये एक सारस ये दिखाई दे रहा है ये बैठा है, लेकिन आरिफ वाला सारस हमको इस चिड़ियाघर में कहीं नहीं दिखाई दिया। और देखो बतखें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आरिफ वाला सारस कहाँ रखा है छुपा करके, ये किसी पब्लिक को नहीं पता। तो दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकलते हुए अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है कैसे। अब हम लग रहा निकलना ही पड़ेगा यहाँ से अब, क्योंकि अब यहाँ पर हमको सारस दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बतख जो है अपने अंडों को छुपा के रख रही है, छुपा रही है, जब तक ये इस पर नहीं बैठेगी तब तक इसमें से बच्चे नहीं निकले। तो दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं, सारस को नहीं, सारस तो कहीं नहीं मिला हमको, लेकिन थक चुके हैं चलते चलते। अब हम निकलते हैं यहाँ से और फिर कभी और आएंगे देखने के लिए, जब कोई न्यूज आएगी कि आरिफ का सारस मिल चुका है तो देखेंगे फिर दोबारा आप आए हैं देखने के लिए। लेकिन हमको सारस, वो वाला सारस नहीं मिल पाया है, वो कहीं ना कहीं क्वारंटाइन करके रखा गया है, क्योंकि पब्लिक को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है, छुपा के रखा है। तो दोस्तों उसमें तो नहीं दिखाई दिया है, नहीं तो उसमें एक जगह अलग बना के उसमें लिख देते आरिफ का, आरिफ का सारस अलग बना करके, सबको भी दिखता और उसको भी लगता मेरे से मिलने आ रहे हैं लोग, है ना। सारस को भी लगता हम तो भी मिलने आ रहे हैं लोग, वहाँ भी तो मिलने जा रहे थे ना उससे, लगा वहाँ है ही नहीं है वो सारस, पता नहीं कहाँ छुपा के रख दिया है। तो दोस्तों चलो फिर मिलते हैं एक ने... कहीं ना को बाहर भेज हाँ उड़ के ना आ जाए। तो दोस्तों इस गेट से हम लोग हो लेते हैं इस गेट बाहर, से हो बाहर और करते हैं चिड़ियाघर को यहाँ से बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद जय भारत।